हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको न्यू ईयर स्पेशल ये देखिए बहुत ही प्यारी सी रोज फ्लावर जो ड्रेस बनानी सिखाई थी, ये देखिए बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं और बना सकते हैं। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इसके साथ ये देखिए मैं आपको पगड़ी बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारी पगड़ी है और न्यू ईयर पर जब आपके ठाकुर जी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ड्रेस और इसके ऊपर जब ये पगड़ी आपके ठाकुर जी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ये मैंने वीडियो में ऑल साइजेस में बनाना बताया है, तो आप इसको इजीली ऑल साइजेस में बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप मेरे को मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी देखी हुई कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे भी आप मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं अपने कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पर डालकर जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पगड़ी बनाने के लिए इसका बेस जो है वो मैंने पहले से ही बना लिया है और इस बेस का जो लिंक है फ्रेंड्स वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं जो पिकॉक फेदर वाली ड्रेस है फ्रेंड्स उसके साथ भी मैंने ये पगड़ी बनाई हुई है। तो पगड़ी में मैंने ये बनाना बताया है कि आपको कैसे मेजरमेंट लेना है और आपको कैसे ये बनानी है। और जो मेरी स्ट्रॉबेरी वाली ड्रेस है उसमें भी मैंने पगड़ी बनाई है, तो उसमें भी मैंने प्रॉपर मेजरमेंट लेना बताया हुआ है कि किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए आप पगड़ी कैसे बना सकते हैं। तो सेम उसी प्रोसीजर से मैंने ये बनाई है, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब इसके ऊपर हम बनाते हैं कलगी। तो कलगी बनाने के लिए देखिए मैंने अपनी रेड वूल ही ली है। तो रेड वूल में हमको देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अपनी ये टू फिंगर्स लेनी है। इसके ऊपर ऐसे हम ये वूल रखेंगे और इस तरीके से देखिए ऐसे हम एक बार लपेटेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से तिरछा ले जाएंगे और इस वाली उंगली से हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और फिर अपना क्रोशिया हुक लेंगे। ये वाला जो आगे वाला जो धागा है इसको हम उठाएंगे और इस वाले धागे को हम इस तरीके से निकाल के और यहाँ से इसको हम दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे और ये वाली जो वूल है इसको हम अपनी इस फिंगर में डालेंगे और इन दोनों को ये देखिए जो ये वाला धागा जो है इसको और ये जो सर्कल है इसको हम ऐसे पकड़ के और एक चेन बना देंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस वाले अपने सर्कल में हमें 10 जो है वो हाफ क्रोशिए बनाने हैं। 1, 2, 3। तो ऐसे ही देखिए फ्रेंड सेम प्रोसीजर से जो है हम इसके अंदर 10 टाइम हाफ क्रोशिए बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड सेम प्रोसीजर से मैंने 10 जो है वो हाफ क्रोशिए इसमें बना लिया। अब हम क्या करेंगे देखिए, जो ये वाला हमारा जो धागा है फ्रेंड्स इसको हम पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे तो एक हमारा ये सेमी सर्कल जो है वो आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसको हम टाइटली खींच देंगे तो ये हमारा एक सेमी सर्कल जो है वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 और 2 हम चेन बना लेंगे, अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। और ये देखिए एक तो ये जो हमने लास्ट वाली चेन थी इसके ऊपर हमने 2 चेन बना दिए जो हमारा एक डबल हाफ क्रोशिया काउंट होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और इसके अंदर हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। तो एवरी जो है हम उप चेन में अपने हाफ क्रोशिया एक बार बना लेंगे, यानी कि 10 जो है हमारे 10 के ऊपर हम 10 जो है वो हाफ क्रोशिया अपने बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे अगेन इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और 2 चेन हम फिर से बना लेंगे इस तरीके से। तो ये जो है 2 चेन जो है फ्रेंड्स एक हमारा हाफ क्रोशिया काउंट होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे 10 हाफ क्रोशिया हैं इसमें एवरी चेन में हमें 2 टाइम करना है, यानी कि 10 के हमारे 20 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 2 की चेन बना दी, अब सेम स्टिच में ले जाकर हम एक बार फिर से हाफ क्रोशिया कर देंगे तो ये एक में ही 2 बार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में फिर हम 2 टाइम कर देंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में फिर 2 टाइम, यानी कि एवरी चेन स्टिच में जो है हमें 2-2 टाइम करने हैं। तो ऐसे ही एवरी चेन स्टिच में 2-2 टाइम हाफ क्रोशिया बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड तक पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही सेम प्रोसीजर से एवरी चेन स्टिच में 2-2 टाइम हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अगेन 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है एवरी चेन स्टिच में फिर से हमें सिंगल टाइम ही करना है।
तो एक तो हमने ये बना लिया है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर हम हाफ क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर हाफ क्रोशिया। तो ऐसे ही एवरी चेन स्टिच में हाफ क्रोशिया बनाकर अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे हमने बना लिए हैं अपने एवरी चेन स्टिच पर वन टाइम। अब हमें क्या करना है, हम फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, टू चेन बनाएंगे हम। और ये देखिए एक पे तो हमने जो है वो टू चेन बना दी है, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे इसमें, और इसमें फिर से हम क्या करेंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा टू टाइम हो गया, एक तो टू चेन और एक हमारा ये टू टाइम और ये थ्री टाइम एंड ये फोर टाइम, ये टोटल फ्रेंड्स हमारे 20 हैं। तो 20 का हम क्या करेंगे, फोर टाइम हमने ये यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना दिया और इसको हम एक बार जो फोर्थ है उसमें हम टू टाइम बना देंगे, तो यानी कि फाइव टाइम हो गया। हमें एक इंक्रीज करना है, अगर हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारा वर्क जो है फ्रेंड्स वो ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसलिए हमने एक इंक्रीज करना है। तो इस फोर में जो है हमने लास्ट वाले में एक इंक्रीज कर दिया, यानी कि फोर के फाइव हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फोर में हमें क्या बनाना है, डबल क्रोशिया, वन टाइम, फिर नेक्स्ट में टू टाइम, फिर नेक्स्ट में थ्री टाइम, फिर नेक्स्ट में फोर टाइम। तो ये टोटल हो गया हमारा फोर टाइम, और ये जो हमने फोर्थ टाइम किया इसमें हम वन टाइम और इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, तो यानी कि ये फोर के हमारे हो गए फाइव। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए नेक्स्ट फोर में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे होता है, एक बार लूप लिया हमने और एक बार और लिया, यानी कि दो बार हमने लूप लिया है। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे ये फोर लूप्स हो गए हैं, तो दो बार एक बार निकालेंगे, फिर दो हम एक बार निकालेंगे, फिर दो, तो ये हमारा होता है ट्रिपल क्रोशिया। तो वन टाइम हो गया, टू टाइम, थ्री टाइम एंड अगेन फोर टाइम। तो ये फोर्थ वाला जो है फ्रेंड्स, इसको हमें अगेन क्या करना है, इसमें वन टाइम और कर देना है, ताकि एक हमारा इंक्रीज हो जाए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हमें फिर से बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे। अब हमारे यहाँ पे टोटल एट बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इधर की साइड। तो ये देखिए डबल क्रोशिया, और हमें क्या करना है, इधर एक बार और डबल क्रोशिया करना है, एक सॉरी यहाँ पर हम नहीं करेंगे, जब हम नेक्स्ट फोर्थ में जाएंगे तब करेंगे। तो ये वन टाइम हो गया, टू टाइम, थ्री टाइम एंड फोर टाइम, और इसमें हम वन टाइम और कर देंगे इधर, एक इंक्रीज करने के लिए, यानी कि हमारा ये फोर में ही फाइव बार हो गया है। अब अगेन हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, हाफ क्रोशिया, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड नेक्स्ट ये फोर टाइम, और इसमें हम क्या कर देंगे, दो बार कर देंगे हाफ क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए ये थोड़ा सा इस तरीके से हमारी कलगी की शेप आ जाएगी ऐसे। तो ये देखिए ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर अब हमारा ये हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अपने वर्क को अब हम रेड को कट कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर अपनी वाइट वुल। तो मैंने व्हाइट वुल ले ली है और इसके अंदर हम लगाएंगे नॉट, और ये देखिए जहां हमने अपना वर्क अभी कट किया है इसको हम बैक साइड ले जाएंगे, और ये देखिए जहां से अभी हमने अपना वर्क कट करा है सेम उसी जगह जो है हम क्रोशिया हुक लेकर जाएंगे, इसको थोड़ा सा रेड वुल को खींच देंगे और ऐसे निकालेंगे, और यहाँ पर हम धागा स्टार्ट कर देंगे और इसको पीछे से खींच देंगे, और ये वाली वूल भी जो है हम दोनों साथ में लेते रहेंगे।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरी चेन स्टिच में क्या है फ्रेंड्स, हमें हाफ क्रोशिया करना है। तो एक में तो हमने कर दिया, हम एक चेन और बना देंगे इसमें, क्योंकि एक हमने स्टार्ट करा है और एक चेन और। अब हम क्या करेंगे, देखिए एवरी चेन स्टिच में क्या है, हम इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये दोनों धागे भी हम साथ में लेते जाएंगे। ये देखिए एवरी चेन स्टिच में हमें हाफ क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरीके से बनाते हुए हमें यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने बना दिया है और हम एक चेन बनाकर यहाँ अपने वाइट के वर्क को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने कट कर दिया है और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अपनी रेड वूल लेंगे और इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना क्रोशिया हुक और धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए इधर की साइड से, जहाँ से इसके इधर की साइड से जहाँ से हमने अपनी फर्स्ट चेन स्टार्ट करी थी, इसके ऊपर वाली चेन में हम अपना क्रोशिया हुक इस तरीके से लेकर जाएंगे और इसमें इस तरीके से हम अपना धागा पहले स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये हमने धागा स्टार्ट कर दिया और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। और ये देखिए जो हमारे दो धागे आपको नजर आ रहे होंगे, इसको हम उठा लेंगे और इस तरीके से लाके और इसको हम ऐसे कर देंगे। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक स्किप करके नेक्स्ट में जाके इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। फिर अगेन हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये दोनों धागे उठा लेंगे और इसको हम इस तरीके से, ये देखिए। और फिर हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट के ऊपर की दो चेन में जाकर इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। फिर अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे, ये दोनों धागे उठाएंगे इस तरीके से और फिर एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्क आता जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको हम यहाँ तक सेम प्रोसीजर से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर से मैंने बनाकर और लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और एक चेन बनाकर मैंने अपने धागे को कट कर दिया है। अब हमारी ये कलगी जो है वो बनकर ये देखिए रेडी हो गई है। ये देखिए ये है इसका फ्रंट साइड। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो हम ये सारे धागे जो हैं अंदर कर देंगे। कुछ मैंने एक दो अंदर कर दिए और मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें कैसे करने हैं। जैसे हमारा ये है तो इसको हमें क्रोशिया हुक लेना है और ये देखिए ये जो लूप्स होते हैं इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको धागे को ऐसे फंसाएंगे इसमें और इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो ये हम इस तरीके से हमारा धागा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या है, सारे धागे अपने जो हैं एडजस्ट कर लेने हैं, ये देखिए इस तरीके से। और जब ये ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो हम एक्स्ट्रा को जो है वो कट कर देंगे। अगर बिल्कुल कॉर्नर पे से आप कट कर देंगे तो ये खुलने का डर रहता है। सेम प्रोसीजर से आप इसको भी, ये देखिए जो ये वाला जो नीचे वाला धागा है फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना है, ये देखिए जो नीचे हमारी कलगी के नीचे जो है हम इसको इस तरीके से इन वाले धागों को ऐसे उठा उठा कर इसके अंदर लेकर आएंगे। ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए यहां तक आ गया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ऐसे ये देखिए मैंने अपना व्हाइट वाला जो है वो व्हाइट पोर्शन में एडजस्ट कर दिया था, रेड वाला रेड में, और ये नीचे वाला भी जो है वो हमारा एडजस्ट हो गया है। अब हम अपनी कलगी को करेंगे डेकोरेट। तो यहाँ पे जो इसमें ये जो हमने बीड्स बनाए हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर ये देखिए मैं अपने व्हाइट पर्ल्स लगाऊंगी स्टिचिंग की हेल्प से। तो इसके लिए देखिए मैंने रेड कलर का धागा जो है वो निडल में डाल लिया है और यहाँ पर ये देखिए हम इस तरीके से इसमें लगाते जाएंगे अपने बिल्कुल पतले वाले जो हैं फ्रेंड्स वो मैंने लिए हैं बीड्स। तो इसको आप ऐसे यहाँ पर पहले एक बार पक्का कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे इसमें से हम एक बार और ले लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए ऐसे। और फिर इसको ये देखिए हम नीचे से इस तरीके से ऊपर की साइड लेकर जाएंगे ताकि पीछे से धागा जो है वो नजर ना आए।
इस तरीके से हम क्या है सारे बीड्स पे अपने ये जो पर्ल्स हैं उनको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे हो गया है। तो ऐसे सेम प्रोसीजर से देखिए यहाँ पर हम फिर ऐसे और ये धागे को हम इस तरीके से इधर ऊपर ले आएंगे और इसको भी ये देखिए। तो ऐसे क्या ये हमारे एवरी इसके अंदर हम ये पर्ल स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए ये जो हमने ड्रेस में हाफ कटिंग पर्ल्स लगाए थे सेम ये वाले पर्ल्स जो हैं वो मैं अपने कलगी के ये देखिए फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड रो है इसके ऊपर ऐसे फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो आप अपनी कलगी को जैसे चाहें फ्रेंड्स डेकोरेट कर सकते हैं। और इधर जो है एक व्हाइट कलर का मोटा मोती मैं यहाँ पर स्टिच करूंगी। तो ऐसे मैं अपनी कलगी को डेकोरेट करूंगी। तो चलिए पहले करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कलगी में मैंने जो है पर्ल्स लगा लिए और इधर ये मैंने ग्लू गन से इसको पेस्ट कर दिया है हाफ कटिंग पर्ल्स को और एक हाफ कटिंग पर्ल मैंने यहाँ पर मिडल में लगा दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे और ये देखिए पगड़ी पर भी मैंने ये हाफ कटिंग पर्ल्स लगा दिए हैं इधर ये ग्लू गन से मैंने पेस्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करनी है अपनी ये जो कलगी लेनी है और इसको इधर ये देखिए इस तरीके से रखकर हमें इसको यहाँ पर स्टिच करना है। आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं बट स्टिचिंग से क्या है थोड़ी सी मजबूत रहती है। तो ये देखिए मैंने निडल थ्रेड ले ली है और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए दोनों फिंगर्स से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और बैक साइड से ये देखिए हम उठाएंगे धागा और इस तरीके से हम इसको बैक साइड से जो है स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से देखिए हम इसको यहाँ पर रखकर पूरा पीछे से एक एक धागा उठाकर ऐसे हम इसको दो तीन बार पक्का करके एक बार हम मोटा मोटा पक्का कर देंगे इसमें और फिर हम इसको अच्छे से पक्का करके यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। और इसको यहाँ पर स्टिच करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पास येलो कलर के फोम के फ्लावर्स हैं तो इनको मैं क्या करूँगी यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास ये फ्लावर्स नहीं है फ्रेंड्स तो आप येलो कलर की जैसे मैंने ये कलगी बनाई है ये बड़ी है तो आप छोटी कलगी बनाकर वो आप यहाँ पर साइड में भी स्टिच करके लगा सकते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन मैं यहाँ पर येलो कलर के जो हैं वो फ्लावर्स यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो पहले हम इसको स्टिच करेंगे और फिर फ्लावर पेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कलगी अपनी स्टिच कर दी और यहाँ पर ये देखिए मैंने येलो फ्लावर्स जो हैं वो पेस्ट कर दिए हैं और इधर देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये लटकन थी तो ये लटकन मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर लगा दी है। ये ऑप्शनल है आप चाहे तो लगा सकते हैं आप इसको घर पर भी। ये तो मेरी रेडीमेड है फ्रेंड्स ये मैंने बाजार से परचेज करी थी बट आप इसको घर पर भी ईजिली बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे मोती हो तो बस धागे में आपको सुई धागे से पिरो कर और ये लटकन बनानी है। और ये कान्हा जी की पगड़ी में देखिए बहुत ही प्यारी लगती है जब कान्हा जी पहनते हैं। तो ये देखिए पगड़ी हमारी बनकर रेडी है और ये कलगी फ्रेंड्स आप छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ जैसे ये तो हमने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। एक ये देखिए ये भी है ये इससे थोड़ी सी बड़ी है फ्रेंड्स ये कलगी। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसके अंदर इस वाली कलगी में हमने 10 जो है वो हाफ क्रोशिया लिए थे तो इसमें मैंने 12 लिए हैं। तो ये 6 नंबर के कान्हा जी के सेम प्रोसेस किया है मैंने बस यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 12 लिए हैं बाकी सेम प्रोसेस हमें वैसे ही करना है जैसे हमने इसमें किया है। और छोटी जो कलगी आप अगर बनाएंगे जैसे 2 या 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो ये जैसे हमने इसमें 10 ली है तो वो आप उसमें 7 या 6 लीजिएगा तो आपकी छोटी कलगी बन जाएगी। बाकी प्रोसीजर आपको सेम करना है और जैसे जैसे आप बड़े कान्हा जी के लिए अगर आपको और बनानी है तो 12 की जगह आप इसको जैसे 14 कर सकते हैं 15 कर सकते हैं स्टार्टिंग में तो उतनी ही कलगी जो है वो बड़ी बनती जाएगी। बाकी सेम प्रोसीजर से बनाना और पगड़ी का साइज जो है कैसे लेना है ये मैंने आपको कहा है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आप किसी भी साइज में इस पगड़ी को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और ये देखिए हमारी पगड़ी जो है वो बनकर तैयार है। और ये देखिए ये है हमारी ड्रेस और ये है इसके साथ की पगड़ी जो हमारे ठाकुर जी पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे देखिए न्यू ईयर पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे।